कोरोना महामारी की इस घड़ी में ग्राम प्रधान के कुशल कार्यशैली से गांव में खुशहाली की लहर है। बड़े बुजुर्गों को मास्क का वितरण एवं बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जा रही है। ग्राम प्रधान अपने 5 वर्षीय कार्यकाल में गांव में विकास की बाढ़ सी ला दी है। आज कोरोना वायरस से पूरा देश लड़ रहा है। इस महामारी ने देश को झकझोर कर रख दिया है, तो माननीय प्रधानमंत्री ने अब ग्रामीण अंचलों की निगरानी गाँव के मुखिया और प्रधानों को दी है। वही कोरोना महामारी की इस घड़ी में ग्राम प्रधान अपने गाँव के लोगों को इस कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। गांव की सूरत हाल का जायजा लेने पहुंचे इंडिया पोस्ट न्यूज को ग्राम प्रधान ने बताया कि शासन द्वारा सभी दिशा निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। गांव में सैनिटाइजर कराया जा चुका है और समय समय पर दवे का भी छिड़काव कराया जाता है। शासन द्वारा बनाए गए सभी दिशा निर्देशों का एवं गाइडलाइन का पालन किया जाता है। मजदूरों को होम क्वारंटाइन कराया जाता है एवं मेडिकल परीक्षण भी कराया जाता है। होम क्वारंटाइन किए गए प्रवासी मजदूरों की निगरानी के लिए टीम गठित करके इनकी निगरानी की जा रही है एवं रहन सहन की भी उचित व्यवस्था की गई है। प्रधान ने बताया कि गांव के जरूरतमंद गरीब असहाय लोगों को इनकी जरूरतों के अनुसार मदद भी की जाती है। घर घर जाकर बड़े बुजुर्गों को मास्क सैनिटाइजर का वितरण कराते हुए बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। ग्राम प्रधान की कुशल कार्यशैली से संपूर्ण गाँव में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है एवं खुशहाली की लहर दौड़ रही है। हाँ, बिल्कुल दूरी बना कर रखते हैं। ये मास्क वगैरह को हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रयोग करते हैं, बिल्कुल प्रयोग करते हैं और 2 गज की दूरी बनाए रखते हैं। लॉकडाउन जो पहली बार या 2 दिन लगा था जब, तो इसका इसका लागू करने की जिम्मेदारी जो है आप सबसे थी, ऐसे में तो आप सबने कैसे बताया लोगों को कि घोरा पीटा क्या बोलते हैं दुबी और तमाम चीजें होती हैं या ज्यादा? अब हमारी बात सुनिए भाई साहब, पत्रकार महोदय, थाली बजाने से कोरोना नहीं जाएगा, दीपक जलाने से कोरोना नहीं जाएगा। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार को ये जिम्मेदारी देना चाहिए, प्रधान और आशा आंगनबाड़ी जाके घर घर निर्देश दें कि ये आप 2 गज की दूरी बनाए रखें और मुंह में मशक या रुमाल बांध के रखें। मतलब अगर इस घड़ी में हमारा यही प्रश्न है, घर जा करके हमारी आशा हम लोग जाकर गांव वालों को मतलब गाइड किया और सब दूरी बनाए रखे। आज कोरोना वायरस से पूरा देश लड़ रहा है। मेरा गाँव कोरोना से वंचित रहा, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ। ग्रामीण अंचलों की निगरानी और अगर मैं सारे कार्य को फेल कर दूं, दूरी 2 गज की न बनाऊं और सब लोग इकट्ठा रहे और हम थाली पीटे बजाएं और दिया जलाएं, अगर कोरोना भाग जाए तो बहुत बड़ी कृपा है, फिर दूरी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि शासन द्वारा सभी दिशा निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। मेरा नाम मनासी लाल मौर्य, ग्राम कुरगांव, छिड़काव कराया जाता है। ग्राम प्रधान द्वारा बनाए गए सभी दिशा निर्देशों का एवं गाइडलाइन का पालन किया जाता है। दाखिल न करो, क्वारंटाइन कराया जाता है। प्रयागराज मेडिकल